हेलो फ्रेंड्स, फरहीन की किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे पालक की मिक्स सब्जी। तो उसके लिए हमने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर उसमें डालेंगे जीरा। तो जीरा को हम चटकने देंगे, फिर डालेंगे उसमें प्याज। हमारा प्याज ब्राउन हो गया तो हमने डाल दिया उसमें आलू और हरी मिर्च। इसको भी हम भून लेंगे। और हम अब हमारा आलू भुन गया है तो अब हम डाल देंगे इसमें बैंगन। इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे और हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो हमारा ये आलू और बैंगन भुन गया है तो हम डालेंगे टमाटर। और टमाटर को भी अच्छे से भूनेंगे। ये हमारा टमाटर भी भुन रहा है तो अब हम डाल देंगे इसमें मटर। और इसी टाइम हम डाल देंगे इसमें नमक। तो हमारा मटर टमाटर भूनते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसमें डाल देंगे पालक। तो हम पालक को डालेंगे लेकिन इसको मिलाएंगे नहीं, हम ऊपर से पालक को डाल के ढक के धीमी आंच पे पकाएंगे 10 मिनट। ये हम इस तरीके से रख देंगे और इसे अच्छे से ढक के धीमी आंच पे रख देंगे पकने के लिए। तो इसे 10 मिनट पकने देंगे, फिर इसे खोल के चेक करेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसको चला लेंगे अच्छे से मिलाते हुए और इसको फुल फ्लेम पे भूनेंगे। हमारा आलू मटर सब पक गया है, हम इसको फुल फ्लेम पे भूनेंगे और इसका पानी सुखा देंगे क्योंकि हमारा आलू मटर सब अच्छे से पक गया है। हम इसे फुल फ्लेम पे भूनेंगे जब तक इसका पानी सूख जाएगा। तो आप देखिए, तो हम इसे चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे जब तक इसका पानी जल ना जाए। अभी इसका थोड़ा पानी रह गया, थोड़ा हम और जलाएंगे। हमने इसे लोहे की कढ़ाई से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा देर पकाने से सब्जी काली हो जाती है, इसलिए हमने इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया और इसी में भून लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी का पानी सूख गया है और हमारी सब्जी बन के रेडी है। तो हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए, ये आलू मटर और पालक और बैंगन की मिक्स सब्जी कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है फरहीन बानो। थैंक यू।